क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक सैनिक ऐसा भी है जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा हमारे देश की रक्षा करती है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था और उनकी मृत्यु सिक्किम के नाथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तब वो अकेले थे। जब वो 3 दिन तक लापता रहे तो उनके अफसरों को लगा कि वो डर के वहां से भाग गए हैं और उनके अफसरों ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया। जब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए तब फिर वो अपने एक सिपाही दोस्त के सपने में आए और उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनका शव और राइफल कहाँ पर है। जब आर्मी के जवानों ने सपने में बताई जगह पर जाकर देखा तो सर्च आर्मी को हरभजन सिंह की डेड बॉडी ठीक उसी जगह पर मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की सिर्फ शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। मृत्यु के बाद भी इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपने में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर सो जाते तो उन्हें एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी ऑफिसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी हर महीने उनकी सैलरी उनके परिवार को भेजती और आर्मी ने उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी लोग दर्शन करने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हो गए थे, आर्मी उन्हें प्रमोट किए जा रही थी। बाकी आर्मी ऑफिसर्स की तरह उनकी भी लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गाँव कपूरथला ले जाते। कई बार बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौते के वक्त हिंदुस्तानी क्या चीनी भी उनके लिए कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन साल 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। जय हिंद, जय भारत।